जय श्री राम। मित्रों, क्षीर सागर का कछुआ। मित्रों, आज बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और लहरें उनसे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार कर कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जीवा से स्पर्श कर लूं, तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। वह उनकी ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग जी ने देख लिया और कछुए को भगाने के लिए जोर से फूंकार मारी। फूंकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए, पर शेष जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस मध्य उस कछुए ने अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया था। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु भगवान श्री राम जी का, वही शेष जी लक्ष्मण जी का और वही लक्ष्मी जी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पर उतरने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसीलिए उसने श्री राम जी से कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। संत श्री तुलसीदास जी भी इस तथ्य को जानते थे, इसलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया है कि कहीं तुम्हार मर्म में जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकार मारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार भी लक्ष्मण जी के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खो देना नहीं। इसीलिए विद्वान संत श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, पद कमल धोई चढ़ाओ नाव, न नाथ उतराई चहो, मोहि राम रावरी आम, दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगिन पाए पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा, तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। तुलसीदास जी आगे और लिखते हैं, सुनि केवट के वैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बियसे करुणायन, चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे, जैसे वे उनसे पूछ रहे हैं, कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था, उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, पद पखारी जलुपान करी, आप सहित परिवार पितर पार करी, प्रभु ही पुनि मुदित गयउ लेई पार।
चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके उसी जल से पितरों का तर्पण करके अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। उस समय का प्रसंग है जब केवट भगवान के चरण धो रहे हैं। बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोकर उसे निकाल कर कठौती से बाहर रख देते और जब दूसरा धोने लगते हैं तो पहला वाला पैर गीला होने से जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता है। केवल दूसरा पैर बाहर रखते हैं, फिर पहले वाले को धोते हैं और एक एक पैर को सात सात बार धोते हैं। फिर ये सब देख कर कहते हैं, प्रभु एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा पैर मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला ना हो जाए। जब भगवान ऐसा ही करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी। यदि एक पैर कठौती में है, दूसरा केवट के हाथों में, भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते। बोले, केवट में गिर जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो भगवान, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रख कर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रख कर खड़ा हो जाता है, भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट बोला, प्रभु क्या कह रहे हैं। भगवान बोले, सच कह रहा हूँ केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, ये छोटा सा प्रसंग था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नया प्रसंग, नई कथा को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।